मुझे पता है आपने इस वीडियो में इसलिए क्लिक किया है बिकॉज आप जानना चाहते हो कि आखिर म्यूजिक बनता किस तरह से, और आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। म्यूजिक बनाने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल एफएल स्टूडियो, एबलटन, क्यूबेस और भी काफी सारे। फिलहाल आज इस वीडियो में बात करूंगा एफएल स्टूडियो के बारे में, जो कि है एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन डॉ जिस पर आप म्यूजिक बनाते हो। तो हम चलते हैं एफएल स्टूडियो की स्क्रीन पर और एक एक करके बात करेंगे कि किस तरह से आप एफएल स्टूडियो यूज़ कर सकते हो खुद का म्यूजिक बनाने के लिए। मैं फेस कैम नहीं डालूंगा इस वीडियो में, जस्ट बिकॉज आपका मेन फोकस स्क्रीन पर रहे ना कि मुझ पे। सो लेट्स बिगिन। सो हम जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं, दैट इज हिंट पैनल। अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर जाए तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिलती है, इसको हम कहते हैं हिंट पैनल। हिंट पैनल को समझाने का सबसे ज्यादा इजी तरीका यही होगा कि बेसिकली जहां जहां आपका माउस जाएगा वो बताएगा कि स्पेसिफिकली वो नॉब, वो फेडर और वो बटन क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है सॉन्ग स्लैश पैटर्न मोड, ये दिखा रहा है प्ले पॉज, ये दिखा रहा है स्टॉप, ये दिखा रहा है रिकॉर्ड, ये दिखा रहा है टेम्पो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। उसके बाद हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट विल बी अवर टेम्पो। तो अगर आपने घर में घड़ी देखी होगी तो उसमें होती है एक सेकंड की सुई जो कि 60 सेकंड्स में 60 बार टिक करती है, मतलब कि 60 सेकंड में 60 बार चलती है। अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पर भी एक घड़ी लगा दूंगा जिसको देखकर आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली घड़ी किस तरह से चलती है, लेकिन ये टेम्पो से किस तरह से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ टाइप इन वैल्यू और इसको मैं लिख देता हूँ 60 और इसको मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। इसी के साइड में आपको मिलता है ये बटन जिसका नाम है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम बोले तो टेम्पो किस तरह से चल रहा है वो उसकी आवाज़ प्ले करेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको हम प्ले करते हैं। तो अभी आपने जो आवाज़ सुनी, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल वैसी आवाज़ है ना जैसे अभी घड़ी आपके सामने चल रही थी। अब मान लेते हैं 60 की जगह मैं करता हूँ टाइप इन वैल्यू और इसको डालता हूँ 120 बोले तो 60 का डबल। एक बार इसको प्ले करते हैं। तो बेसिकली पहले जो एक सेकंड में सिर्फ एक टिक हो रहा था, अब एक सेकंड में दो टिक हो रहे हैं जिसकी वजह से डबल डबल आवाज आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर जाके टाइप इन वैल्यू कर दूं 180 जो कि होता है 63 जा 18, मतलब कि अभी एक सेकंड में तीन बार टिक होंगे। इसी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं, 6 फोर्जा होता है 24, सो 240 अगर हम डालें तो इस बार एक सेकंड में चार बार टिक होंगे। चाहे तो आप मन में देख भी सकते हैं और खुद घड़ी साइड में रखकर भी जांच सकते हैं कि बेसिकली अभी एक सेकंड में चार बार टिक ही हो रहे हैं। फिलहाल मैं इसको लेकर चलता हूं वापस से पीछे टू अवर 60 ओरिजिनल वैल्यू, प्रेस किया एंटर तो वैल्यू यहाँ पर नजर आ गई। अब मैं जैसे ही इसको प्ले करता हूँ आप देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ चलने लग जाती है और यहाँ पर भी कुछ चीज़ चलने लग जाती है, जिसका मतलब ये है कि टेम्पो से डायरेक्टली रिलेट करता है अपनी सॉन्ग की स्पीड। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के बढ़ा दिया तो आप देखेंगे ये जो चीज़ यहाँ पर चल रही है वो भी तेज़ हो गई है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया ये और तेज़ हो गई, अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये और तेज़ हो गई, और अगर मैं ऐसे बढ़ाता चला गया तो अभी आप देख सकते हो कितना तेज़ ये हो चुका है। और अगर मैं इसको कम करता चले जाऊं, ये देखिए मैं इसको कम करते जा रहा हूं, तो यहां पर अभी जो स्पीड है वो और कम हो गई। मैं और कम करता गया और 10 बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू पे ले आया तो टिक भी उसी प्रकार से बहुत धीरे धीरे हो रहा है। फिलहाल इसको टाइप इन वैल्यू करके मैंने इसको डाल दिया 60 पर वापस से रीसेट, यानी कि एक सेकंड में वापस से सिर्फ एक बार ये टिक हो रहा है। मेनली इस एक्सपेरिमेंट को करने का सिंपल सा मतलब था आपको ये बताना कि टेम्पो से जो है डायरेक्टली अपना सॉन्ग जो है रिलेट करता है। जितने भी हमारे हाउस जॉनरा के ट्रैक होते हैं जो कि मेनली मार्टिन गैरिक्स जैसे मेजर आर्टिस्ट्स बनाते हैं, उनका ट्रैक का बीपीएम जनरली 128 बीपीएम पर होता है। तो अगर राइट क्लिक किया, टाइप इन वैल्यू 128, देखते हैं ये किस तरह से साउंड करता है। मैं साइड में एक गाना चला के देखता हूँ क्या ये उसके साथ मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं क्रोम पर, तो यहाँ पर जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो होने वाला है हाई ऑन लाइफ, जो कि बेसिकली मार्टिन गैरिक्स का ही एक गाना है। तो मैं इसकी आवाज़ काफ़ी कम रखने वाला हूँ टू अवॉइड द,
walk a million smiles just to see your smile till the day I die. इसको मिनिमाइज करते हैं और ये सुनते हैं. Get you by my side, we get high on life till the day we die. Exactly same, right? चाहे तो आप कोई और सा भी गाना यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. चलिए कोई हिंदी सॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है? मन्नत, ये है दर्शन रावल का सॉन्ग. एक बार इसको प्ले करके इसका टेम्पो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर हम तू मेरे हंसने की वजह न हो सम का जहां. एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं अपने एफएल स्टूडियो में कितना टेम्पो आता है. मेरे हंसने की बिल्कुल कहीं और जा रहा है तो टेम्पो इसका ऑफ कोर्स कम होना चाहिए थोड़ा. 110 ट्राई करते हैं. तू मेरे हंसने की वजह, अभी भी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा और कम करके देखते हैं. 100. तू मेरे हंसने की वजह कहीं ना कहीं मेरे को 100 सही लग रहा है. एटलीस्ट मैं इस टेम्पो के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ मन्नत जैसे सॉन्ग को बनाने का. लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा है ये तेज़, तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टैप का. मैंने टैप पर क्लिक किया और अब जिस तरह से मैं गाना गा रहा हूँ, जिस तरह से मैं बीट बजा रहा हूँ, अपने मन में जिस तरह से बीट है उस तरह से मैं ट्रांसलेट करूँगा यहाँ पर. तो मेरे हंसने की वजह मेरा सुन का जहाँ हर मौसम यार तू. 108 ट्राई करते हैं. सो इस तरह से जब भी आपके माइंड में कोई गाना आ रहा होगा या फिर आप किसी सॉन्ग का डीकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे होंगे मेरी तरह, तो आपको सबसे पहले टेम्पो देखना होगा और टेम्पो किस तरह सेट करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया. अब चलते हैं हम अगली चीज़ पे जिसका नाम है चैनल ट्रैक. और चैनल ट्रैक पे आने से पहले इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. चैनल ट्रैक इज़ अ प्लेस जहाँ पर अपनी बीट्स लगाओगे, जहाँ पर आप प्लगइन्स लोड करोगे. प्लगइन्स क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा. लेकिन फिलहाल आप चीज़ें लोड करोगे जो कि आपके सॉन्ग में आवाज़ देंगी. अब आवाज़ वो आएगी कहाँ से? सो चैनल ट्रैक के ही साइड में आपको यहाँ पर दिया हुआ है ब्राउज़र विच इज़ बेसिकली अ फाइल एक्सप्लोरर. यहाँ पर आपको जाना है पैक्स में और यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको लेट्स से लेगेसी में, ड्रम्स में, हिप हॉप में. और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्रम्स मिल जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर है किक, तो किक की आवाज़ कैसी होती है? अब मेरे को ये किक यूज़ करनी है अपने सॉन्ग में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके नीचे. अगर आप इसके ऊपर ड्रॉप कर दोगे तो सैम्पलर जो चीज़ है यहाँ पे, फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है कि सैम्पलर होता क्या है, लेकिन अगर आपको सैम्पलर से इस चीज़ को रिप्लेस करना है तो आप इसके ऊपर छोड़ोगे. अगर उसके बाद आपको ये नई चीज़ ऐड करनी है तो आप इसको यहाँ पर छोड़ोगे. मैंने इसके नीचे पर इसको छोड़ दिया और यहाँ पर हिप किक 8 जो इसका नाम था वो आ गया. मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख जाता है एक वेव फॉर्म. इसे हम कहते हैं चैनल सेटिंग्स और आप काफ़ी सारी चीज़ें इससे कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी वो चीज़ें और ये ट्यूटोरियल मैं शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा इस चीज़ में. फिलहाल ये हमारे पास एक किक आ गई है और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे बटन्स. इस बटन्स को कहता हूँ मैं बल्ब, क्योंकि अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये जल जाते हैं. राइट क्लिक करने से ये बल्ब्स बुझ जाएंगे. फिलहाल मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक बार इसको प्ले करता हूँ. जब आप सॉन्ग बना रहे होंगे, कभी कभी आपको मेट्रोनोम चाहिए होगा, कभी कभी आपको नहीं चाहिए होगा, तो ऑलवेज यू कैन गो देयर एंड टर्न ऑफ द मेट्रोनोम. अब हम एक दूसरी चीज़ लेने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है स्नेयर. सो यहाँ से हम कोई स्नेयर उठा लेते हैं. यही वाली स्नेयर उठा ले रहा हूँ और इसको इसके नीचे डाल दूंगा. अब मेरे को चाहिए कि ये हर दूसरे पे चले या फिर अगर मेरे को यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना है तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ. एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी एक तनिष्क बागची जैसा पैटर्न क्रिएट कर चुका है. फिलहाल इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सम हैट्स और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ. अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करते करते जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों को भरने का.
इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है, दैट इज़ आपको जिस भी ऑडियो के लिए या फिर जिस भी प्लगइन के लिए आपको ये चीज़ करनी है, आप उस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फिल ईच टू स्टेप्स, मतलब हर दो स्टेप में बल्ब जला दो। मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए वही काम जो मैं क्लिक क्लिक करके हो रहा था वो आसानी से सिर्फ एक क्लिक से हो गया। तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए। लोग कहते हैं मुझको वाले, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को ज़्यादा वाइब में बह गया और बहुत लंबा गा दिया, तो इस तरह से आप इसमें ड्रम्स क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल चैनल ट्रैक में बताने के लिए चीज़ें इतनी ही थी, हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे और चीज़ें भी बताने लायक होंगी चैनल ट्रैक में मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सेकेंड नंबर वाले बटन पे, जो कि हिंट पैनल पे दिखाता है व्यू पियानो रोल, मैंने इस पे क्लिक किया और आपके सामने ये पियानो रोल खुल चुका है। अब पियानो रोल को हम जैसे ही देखते हैं ना, हमारा मन करता है कि चलो भाई हमको पियानो मिल गया, फटाफट से इसको बजा देते हैं। मैं गया यहाँ पर टाइल्स में, इसे मैंने क्लिक किया लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि FL Studio का पियानो रोल इज़ नॉट इक्वल टू जस्ट पियानो। FL Studio का पियानो रोल सिर्फ पियानो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें बजा सकता। मैं गया यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और यहाँ मैंने क्लिक किया किक पर। मैंने यहाँ पर क्लिक किया स्नेयर पर, हार्ट पे चला गया, लेकिन आपने कहा नहीं यार मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को पियानो रोल पे पियानो मांगता है। तो पियानो के लिए मैं ऐड करूँगा यहाँ पर एक प्लगइन। मैं यहाँ पर क्लिक किया ऐड बटन पे, लेफ्ट क्लिक किया तो ये चीज़ खुल गई। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो आपके सामने ये चीज़ खुल जाएगी जिसमें काफ़ी सारे विजुअल्स भी बने हुए। फिलहाल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कुछ पियानो जैसे चीज़, मैंने इसको ड्रैग किया और इसके नीचे डाल दिया, ये आपके सामने खुल गया FL Keys, जो कि FL Studio का एक बेसिक पियानो प्लगइन है। सिंपल। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर दिया तो इट्स ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस ऐड बटन पे क्लिक किया और आप चाहे तो लेफ्ट क्लिक कर कर भी यहाँ पर FL Keys पर क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करोगे तो नाम आएगा, राइट क्लिक करोगे तो आपको विजुअल्स दिख जाएंगे। फिलहाल हमारे सामने ये FL Keys खुल गया। मैंने यहाँ पर किया राइट क्लिक और क्लिक किया पियानो रोल पे और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फाइनली पियानो रोल से पियानो की आवाज़ आने लगी और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैक्सिमाइज वाले बटन से, जिससे मैंने इसको बड़ा कर दिया और यहाँ पर मैं कुछ बजाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक नोट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर थोड़े से और नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, मैंने ऐसी चीज दबाई है जो कि हर कोई दबा सकता है, जस्ट लेफ्ट क्लिक नथिंग एट ऑल। प्ले करते हैं। अब यहां पर मेरे को एक प्रॉब्लम लग रही है, मैं चाहता था कि सिर्फ मेलेडी बजे, यहां पर तो ड्रम्स भी बजना चालू हो गए। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज चैनल रैक में हमने सेम ही जगह पे ये सब चीजें करी हैं। अब अगर मेरे को चाहिए कि हमारे ड्रम्स यहां पर रहे लेकिन पियानो अलग हो जाए, तो मैं चलूँगा FL Keys में और ये जो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा है ना, बटन कह लो या फिर जो लाइट कह लो, जो भी कह लो, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ध्यान दें सिर्फ ये सिलेक्ट होना चाहिए। मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स बोले तो कट, विंडोज़ का शॉर्टकट। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं सो यू विल यूज़ कमांड एक्स। मैं यहाँ पर जाऊँगा पैटर्न वन के साइड पर, यहाँ पर दिख रहा है ऐड, मैं क्लिक किया और यहाँ पर आप चाहे तो कोई नाम दे सकते हो पैटर्न को। फिलहाल मैं एंटर प्रेस करूँगा और पैटर्न टू नाम इसका आ गया। वापस से मैं FL Keys को सिलेक्टेड रखा हूँ, मैं प्रेस करूँ कंट्रोल V और यहाँ पर वो जो डेटा मैंने कॉपी किया था वो मेरे पियानो रोल पर आ चुका है। एक बार इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करा और यहाँ पर पैटर्न वन शो हो रहा, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो अगेन इसको राइट क्लिक करके पैटर्न टू चूज करा, अब मैं इसको प्ले करूँ तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल है कि आप इस तरह से अपने प्लगइन्स को सेपरेट कर सकते हो।
अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग्स ऐड करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पियानो के साथ बजे। तो एक तो तरीका ये हो गया, जैसे मैंने आपको भी बताया कि पहले ऐड करो, फिर उसमें नोट्स डालो और देन उसको सेपरेट करो। दूसरा तरीका, सबसे पहले पैटर्न क्रिएट कर लो, एंटर दबा लो, पैटर्न 3 क्रिएट कर लिया हमने। अब यहाँ पर मैं ब्राउज़र में चलता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर अ स्ट्रिंग सेक्शन। इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, जिस तरह से आप ऑडियो को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल किक एंड स्नेयर, उसी तरह से मैंने स्ट्रिंग्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। इसको फिलहाल करता हूँ कट, राइट क्लिक, पियानो रोल, अगेन पियानो रोल पे मेरा स्ट्रिंग सेक्शन खुल चुका है। अच्छा, बाय द वे, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना, दिस इज़ बाय यूजिंग माय माउस मिडल बटन। तो अगर आपके माउस पे मिडल बटन है तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये हाथ बना हुआ आ जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हो। स्ट्रिंग्स की आवाज़ आ रही है, बहुत सुकून। सुनते हैं एक बार, काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बढ़ जाए। मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर मेरे को एक रिसाइजिंग टूल आ गया, जिससे कि मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं तीनों को बढ़ाना चाहता हूँ यार, सिर्फ एक को नहीं। तो मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड में कंट्रोल, सेलेक्ट किया सब चीज़ों को और अब मैंने एक साथ पकड़ के इनको बढ़ा दिया। देख सकते हो ये सारी चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं। अब प्ले करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमारी स्ट्रिंग्स चल रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और कॉर्ड स्विच लाएं, और हाँ, ये जो तीन नोट्स एक साथ बज रहे हैं ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ कॉर्ड। फिलहाल आपके सामने एक जी माइनर कॉर्ड मैंने प्ले करी है। अब ये जी माइनर क्या होता है, जी मेजर क्या होता है, एक डिफरेंट वीडियो बना के रखी है जस्ट फॉर म्यूजिक थ्योरी, तो आप वो वाली वीडियो देख लें, आई बटन में रेडिंग करा रखी है। फिलहाल हम उस चीज़ को इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। मैंने किया इसको सेलेक्ट और इसको कर दिया छोटा और यहाँ पर दोबारा एक कॉर्ड बना ली, कंट्रोल जेड वापस चला गया। या तो दूसरा तरीका, मैंने यहाँ पर क्लिक किया जो कि हिंट पैनल में दिखाता है स्लाइस, यानी कि स्लाइस टूल, मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कैसे भी कट जाएगा। मैंने शिफ्ट प्रेस किया बिकॉज मेरे को सीधा काटना था, यहाँ पर लाके मैंने इसको कट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो पार्ट्स में बट चुका है। वापस गया टू अवर ड्रॉ टूल और मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। एक जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा ये वाला नोट जो है स्केल में नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा। अगेन, जो स्केल है, म्यूजिक थ्योरी है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला, तो आप वो वीडियो को जाके देखिएगा। फिलहाल इसको प्ले करते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई नोट्स चल रहे हैं, तो मैंने कंट्रोल डाउन की प्रेस किया और ये नोट जो है नीचे आ गए। कंट्रोल डाउन से क्या होता है, ऑक्टेव्स चेंज होते हैं, और ऑक्टेव्स क्या होते हैं उसका बड़ा सिंपलर एक्सप्लेनेशन है, मैं अभी बता सकता हूँ। जैसे कि आपको कहते हैं कि ऊपर का सा गाओ, नीचे का सा गाओ, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सरगम गाने के लिए कहते हैं, सो यू विल लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। अगर आपको कोई बोले कि नीचे का सा गाओ तो आप गाते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, और अगर कोई बोले कि ऊपर का सा गाओ तो आप गाते हो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जब भी हम ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हम खेल रहे होते हैं ऑक्टेव्स के साथ। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर आ रहा है एक जी। अगर मैं हिंदी म्यूजिक थ्योरी से चलूँ तो सी से शुरू होती है हमारी म्यूजिक, सी डी ई एफ जी ए बी सा रे गा मा पा धा नी सा, और उसके आगे अगेन ऑक्टेव बढ़ जाएगा लेकिन नोट वही रहेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेव। तो मैंने इसको फिलहाल थोड़ा नीचे कर दिया है जो कि थोड़ा बेस देगा मेरे को। मैंने इसको किया क्लोज, मेरे पास आ गए हैं अभी तक तीन पैटर्न्स। पहला पैटर्न जिसमें चल रही है ये चीज, दूसरा पैटर्न जिसमें चल रही है ये चीज, और तीसरा पैटर्न जिसमें चल रही है ये चीज। ये सब चीज़ें आपके सामने बनाई गई हैं, मैंने कहीं भी कुछ भी कैसा भी वीडियो का कट नहीं लगाया। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे, और अब मैं बात करने वाला हूँ प्लेलिस्ट के बारे में। तो अब मुझे क्या चाहिए ना, मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने असाइन करी है, भले ही वो एक किक हो गया, स्नेर हो गया, हैट हो गया, एफएल कीज हो गई या फिर स्ट्रिंग हो गया, मेरे को चाहिए कि ये सब चीज़ें एक साथ प्ले करें ना। इसको करने के अगेन मेरे पास दो तरीके हैं। जो पहला तरीका हो गया कि मैं सेम पैटर्न पे ले आऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूँ, वापस से पैटर्न टू में चलूँ, कंट्रोल वी यहाँ पर कर दूँ, और इस तरह से सारे ड्रम्स भी कॉपी कर लूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए।
मुझे चाहिए कोई और तरीका बताओ यार, जिससे मैं अपना सॉन्ग बना सकूँ। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं बनाऊँगा ना तो ज़्यादा कितना ही बड़ा सॉन्ग बना पाऊँगा, बस इतना बड़ा, करीबन 8, 11, 15 सेकंड का सॉन्ग मे बी, मैक्स टू मैक्स। लेकिन मुझे बड़ा सॉन्ग बनाना है 3-4 मिनट का, तो वो कैसे बनाऊँ? तो उसके लिए FL स्टूडियो में इन्वेंट हुआ प्लेलिस्ट। इस पर अगर आप क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखाता है इन पैनल पे व्यू प्लेलिस्ट। मैंने इस पर क्लिक किया और आपके सामने ये प्लेलिस्ट आ गई है। इसको फुल बड़ी स्क्रीन पे कर दो। अगेन प्लेलिस्ट दिखती बड़ी हार्ड है लेकिन होती सबसे ज़्यादा सिंपल है FL स्टूडियो में प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपके पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 दिख रहे हैं जो अभी हमने बनाए हैं। मैं गया पैटर्न 1 में, इसको ओपन नहीं करना, इसको मैंने ड्रैग किया और प्लेलिस्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मैं इसको सबसे पहले लेकर गया और मैं इसको इधर थोड़ा जूम कर दिया और चलिए इसको प्ले करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, दैट्स बिकॉज अभी हमारा पैटर्न चल रहा है और जब भी हम पैटर्न की बात करेंगे दैट मीन्स हमारा चैनल ट्रैक चल रहा है। अगर मेरे को चलानी है अपनी प्लेलिस्ट तो मैं सॉन्ग पर जाऊंगा और अब प्ले करूंगा। एज यू कैन सी अब मेरी प्लेलिस्ट में वो प्लेहेड आ गया है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसके नीचे डाल दिया। मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसके नीचे डाल दिया। लेट्स प्ले इट। एज यू कैन सी तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं, बढ़िया तरीके से चल रही है। अब मैं अगेन एक आपको चीज बताता हूँ। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, मेरे को चाहिए कि मैं इसी चीज को कॉपी पेस्ट करूं आगे भी। काफी सारे तरीके हैं एक्चुअली इस बार चीजों का। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, डिलीट, शिफ्ट एंड ड्रैग आ गया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, बी फॉर बॉल, अगेन डुप्लीकेट हो गया। काफी सारे तरीके हैं। फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने प्रेस किया कंट्रोल बी और ये आगे चीज आ गई। अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पर तो ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर जो हैट है ना चिक 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 चिक, वो ना बजे। क्यों? बिकॉज मेरे को चाहता हूँ कि मेरा हुक यहाँ पर आ रहा है और इससे पहले ये जो चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए मेरे को ये चीज़। तो मैं गया यहाँ पर और इसको कर दिया मेक यूनिक और मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये चीज़ मेरे साथ खुल गई। मैं यहाँ से गया हैट पे, चाहे तो आप पैटर्न से भी डिलीट कर सकते हो या तो यहाँ से भी इस तरह से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब एक बार सुनते हैं। अगर आपके कान अभी तक इतने पक्के नहीं हुए तो मैं सिर्फ ये वाला ट्रैक प्ले करता हूँ और उसके लिए मेरे को करना होगा यहाँ पे राइट क्लिक इस ग्रीन लाइट पर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने वाली है कि आपको जब भी एक पैटर्न आपको लेना है और उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके मेक यूनिक करना ही होगा। FL स्टूडियो में, एक्चुअली सिर्फ FL स्टूडियो में ही ये चीज़ है कि जब आप इसको कॉपी करके यहाँ से चेंज करते हो ना तो ये आपका पूरा ये वाला पैटर्न भी चेंज कर देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न 1, यानी कि पैटर्न 1 जहाँ भी यूज़ हो रखा होगा आपकी प्लेलिस्ट में या फिर कहीं भी, तो वहाँ पर उस पैटर्न 1 को चेंज कर देगा। मैंने कहा भाई मैं पैटर्न 2 को यहाँ पर चाहता हूँ लेकिन ये वाली किक मैं उड़ा दूंगा, तो ये लो मैंने उड़ा दी किक, दोनों तरफ से उड़ जाती है। और अगर यही चीज़ मैं पैटर्न 2 के में यहाँ पर गया और इसको मैंने मेक यूनिक किया और अब मैंने किक हटाई, अब देखते हैं सबसे मेन चीज़ जो कि प्लेलिस्ट में आपको ध्यान देने वाली है, दैट इज मेक यूनिक करना मत भूलना। आज भी काफ़ी बार मैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स भूल जाते हैं मेक यूनिक करना और उनसे उनका पूरा प्रोजेक्ट बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट होता है। तो ये चीज़ नहीं बोलना, इसलिए मैंने इसको साइड करके स्पेशली आपको ये चीज़ बताई कि मेक यूनिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन FL स्टूडियो। फिलहाल हमारा ये सॉन्ग बन चुका है। ओके, सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन अगेन हमारा किक अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, हमारा स्नेयर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, हमारी हैट्स अच्छे से सुनाई नहीं दे रही, जो हमारी स्ट्रिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है और जो पियानो है वो टुंग 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 कर रहे वो भी कुछ अच्छे कुछ खास सुनाई नहीं दे रहे। मेरे को इसको अच्छा साउंड करवाना है, मतलब कि मेरे को अब इसको मिक्स करना है। अब मिक्स करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको चाहिए होगा मिक्सर। और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑडियो मिक्सर, मैं गया इमेजेस पर और यहाँ पर आप देखते हो किस किस तरह के मिक्सर यहाँ पर आ रहे हैं।
अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स एफएल स्टूडियो के अंदर ये चीज़ करने का कुछ ना कुछ उपाय तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको अगर एक क्लीन सी इमेज मेरे को मिल जाए, इस तरह का कुछ उन्होंने बना लिया फॉर एफएल स्टूडियो। अब वो किस तरह से दिखता है आपको वो बताता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पर अगर आप हैंड पैनल पर देखें तो दिखता है व्यू मिक्सर, मैंने क्लिक किया और ये है वो मिक्सर जो कि एग्जैक्ट इसका कॉपी है। काफ़ी ज़्यादा नॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फेडर्स हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फेडर्स हैं, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा लाइटें चली हुई हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइटें चली हुई हैं, एग्जैक्टली सेम ब्लू प्रिंट इसका निकाल दिया। मैं इसको प्ले करता हूँ फिलहाल एक बार फिर से और देखिएगा मिक्सर में क्या होता है। तो फिलहाल आप जो मेन चीज़ देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी चीज़ें हैं ये सब बंद है। यहाँ पर एक M नाम की चीज़ है जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर, वो चल रहा है, और यहाँ पर एक C है वो चल रहा है। तो आखिर चक्कर क्या है, किस तरह से हमको ये काम करना है? तो सबसे पहली चीज़ जो FL Studio में ही है, अगेन ये चीज़ कि आपको जब भी कोई चीज़ ऐड करते हो ना, आपको लिंक कराना होगा टू अ मिक्सर चैनल फॉर इट्स मिक्सिंग। मैं किक पर गया, मैंने प्रेस किया Ctrl+L, मतलब कि लिंक करने के लिए Ctrl+L। एक और तरीका लिंक करने का, स्नेयर 9 को खोला, यहाँ पर आपको एक ट्रैक का बटन दिखता है, मैंने इस बटन को क्लिक किया, हो गया लिंक। तीसरा तरीका, मैंने एक हैट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर किया चैनल राउटिंग, राउट सिलेक्टेड चैनल टू दिस ट्रैक, Ctrl+L इसका शॉर्टकट है, Ctrl+L। आगे दो और बचे हुए हैं, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl+L। ऐसे करके अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी थी इन माई प्रोजेक्ट, मैंने सबको लिंक कर दिया टू अ मिक्सर चैनल 1 2 3 4 5। ये सब हैं इंसर्ट्स हमारे, और ये सब हमारा मास्टर चैनल। इंसर्ट्स समझाने का सबसे सिंपल तरीका ये होगा कि बेसिकली जितनी भी चीज़ें आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे वो सब चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। मास्टर मतलब फाइनल आउटपुट, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक साथ जो चीज़ें साउंड कर रही है वो दिखेगा यहाँ पे। और करंट मतलब जिस पे भी क्लिक करोगे ना वो दिखेगा वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 पे क्लिक किया, प्ले करते हैं, एज यू कैन सी हमारा मास्टर मूव हो रहा था लेकिन हमारा सी मूव नहीं हो रहा था बिकॉज 6 पर कुछ भी असाइन नहीं है। मैंने किया 5 सेलेक्ट, प्ले करते हैं, और इस बार स्ट्रिंग सेक्शन में जो चीज़ चल रही होगी वही चीज़ हमारी सी में चलेगी। आई होप आपने नोटिस किया होगा कि बेसिकली सी इज़ बेसिकली करंट ट्रैक। तो करंट ट्रैक मतलब यहाँ पर जो भी ट्रैक हमने चूज़ किया उसमें क्या हो रहा है वो हमको सी पे दिखेगा। अगर आप इस पर थोड़ा सा और जूम करो, मैं थोड़ा बड़ा वाला एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज वाला व्यू लेकर आ गया मैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान पे देखो तो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ -20, -27, यहाँ पर लिखा है 27, 26, 21, 18, 15, 13। तो मेनली हमारा जो भी ट्रैक होता है उसका फाइनल जब भी आउटपुट हम निकालते हैं वो रखते हैं हम 0 dB पे। ये हमारा 0 dB है, इसके ऊपर अगर जाए तो ये प्लस हो रहा है, जैसे कि आप हिंट पर देख सकते हो ये प्लस होता गया, ये 5 dB चला गया और ये बाहर निकल गया। क्या मतलब ये नहीं है आपको सुनाई नहीं देगी वो आवाज़ आपको ऑब्वियसली सुनाई देगी, लेकिन आपको जो आपका फाइनल ट्रैक जब भी आप निकालोगे तो वो 0 dB पे ही होना चाहिए। और मेनली ये माना जाता है कि जब आप मिक्सिंग कर रहे होंगे तो आपका ट्रैक जो है करीबन -6 से -3 dB के बीच में होना चाहिए। फिलहाल ये हमारी टेक्निकलिटीज, फिलहाल लेट्स गेटिंग बैक टू द ट्रैक। मैं क्या अपने किक वाले ट्रैक पे इसको मैंने कर दिया सोलो बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, या फिर जस्ट प्रेस द एस बटन ऑन योर कीबोर्ड। इफ यू वॉन्ट टू म्यूट इट प्रेस द एम बटन, और मैं इसके बाद थोड़ी सी डाउन कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डाउन क्यों कर रहा हूँ, तो अभी मैंने जैसे बोला कि जब भी आप मिक्स कर रहे होंगे आपका लेवल्स जो है -6 से -3 dB के बीच में रहने चाहिए, जो कि फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं। तो मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया, मे बी -4 dB फिलहाल के लिए सही रहेगा, अंदाजा लगाया मैंने और कुछ नहीं। मैं गया नेक्स्ट अपनी स्नेयर पर, आई गेस मैं किक को थोड़ा नीचे करके स्नेयर अपनी बढ़ा सकता हूँ, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। साउंड्स परफेक्ट टू मी, लेट्स ऐड सम हैट जो कि सिर्फ यहाँ पर बच रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये पोर्शन लूप हो जाए। मैं किया राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैक
बैंड जो भी इसको बोलेंगे, और यहाँ पर मैंने ट्रैक कर दिया राइट क्लिक करके, ये चीज़ सेलेक्ट हो गई। मैं गया अगेन मिक्सर पर और अभी सिर्फ ये चीज़ हम लूप कर रहे हैं। Feels all right. Let's go to piano. Let's add some strings. अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे ट्रैक में नहीं है, जो कि आपको भी लग रहा होगा कि कहाँ है, दैट इज द बेस। जनरली हम क्या सोचते हैं ना, पियानो चल रहा है उसी के साथ कहीं ना कहीं बेस लगा होगा, लेकिन नहीं। जब भी हम म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो बेस का अलग लेयर होता है। सो लेट्स ऐड अनदर लेयर फॉर बेस, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया अपना बेस। मैं गया अगेन जनरल ट्रैक पे और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 3x ऑसिलेटर, ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा, क्लिक कर दिया और यहाँ पर मेरे पास 3x ऑसिलेटर आ गया, जो कि बड़ा ही सिंपल सा बेस प्लगइन है इनसाइड FL Studio स्टॉक प्लगइन है। सबसे ईजी चीट शीट क्या रहेगी, आपने कॉर्ड्स पर जाओगे जो आपके कॉर्ड्स बज रहे हैं, और इसमें जो सबसे लो वाले नोट है इसको आप करोगे कॉपी, कॉपी करोगे, ऐड करोगे एक न्यू पैटर्न, वापस से जाओगे 3x ऑसिलेटर पे और इसको पेस्ट कर दोगे। प्ले करते हैं अगेन, अभी ये बेस जैसा साउंड नहीं कर रहा है। लोअर ऑक्टेव पे लेके चलते हैं, और लो जा सकता है क्या, साउंड्स जस्ट परफेक्ट टू मी। अचानक से वो बेस आ गया और वो जो डेप्थ मिसिंग थी ना सॉन्ग में वो बढ़ गई, लेकिन बेस अगेन बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने एक सिंपल सा बेसिक म्यूजिक बना के तैयार कर चुका है। ऑफ कोर्स ये कुछ बॉलीवुड रेडी म्यूजिक नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अपनी आवाज़ डालूंगा जिससे थोड़ा सा एटलीस्ट ये प्रोफेशनल साउंड करे। तो अपनी आवाज़ डालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप चलेंगे ऑप्शंस में, ऑडियो सेटिंग्स में, और सबसे पहले आपको डिवाइस में जाना होगा और यहाँ पर आपको ये जो FL Studio AZO ड्राइवर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर देना होगा। फिलहाल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट और इस बफर लेंथ को सबसे कम लाइक 256 पर कर देंगे। बफर लेंथ इज इक्वल टू लेटेंसी, तो अगर आप चाहते हैं कि जिस टाइम आप बोलें उसी टाइम आपका गाना रिकॉर्ड हो, मतलब कि आपको बाद में बिल्कुल भी वोकल इधर उधर ना करनी पड़े, आपका म्यूजिक कहीं जा रहा है आपका वोकल कहीं जा रहा है ऐसा ना हो, तो इसलिए आपको बफर लेंथ जो है सबसे कम 256 पर कर देनी होगी। तो मैं क्लिक कर दिया और आप मेरे को सिर्फ 6 मिलीसेकंड्स का मेरे को जो है लेटेंसी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बार कर दिया, क्यों, बिकॉज अब मेरे को करनी है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के लिए अब मेरे को चूज़ करना होगा एक ट्रैक ऑन माय मिक्सर। मैं गया 7th नंबर के ट्रैक पे क्योंकि वो फ्री है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं इन वन सेलेक्ट करते ही मेरी आवाज़ अब आपको आना चालू हो चुकी होगी और मेरे को भी अब डबल डबल आवाज आ रही। फिलहाल मेरे को मेरी आवाज ना आए तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ये वाला बटन को, तो मैंने इसको मास्टर पे जाने से रोक दिया अपनी आवाज को। अब फिलहाल यहाँ पर ही आना चालू हो गया। मेन चीज आपको सिलेक्ट करनी है इज दैट दिस रेड डिस्क आइकन। अभी FL Studio इस ट्रैक से कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसको दबाने का मतलब ये है कि अब FL Studio इस ट्रैक से इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा। कब करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे इस रिकॉर्ड के बटन को दबा के। अगर आप पहली बार इस रिकॉर्ड का बटन दबाओगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एवरीथिंग एंड मूव अहेड। फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं गया यहाँ पर कहीं भी जा सकता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, दैट इज़ दिस 3-2-1 वाला जो कि यहाँ पर दिखा रहा है काउंट डाउन बिफोर रिकॉर्डिंग, इसमें मैंने क्लिक कर दिया जिससे होगा ये कि मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा मेरे को वो काउंट डाउन देगा 3-2-1 और उसके बाद मैं अपना रिकॉर्ड करना चालू करूँगा। फिलहाल लेट्स प्रेस द स्पेस बार और रिकॉर्ड करते हैं कुछ भी। फिलहाल मेरे मन में कोई आइडिया नहीं है, लेट्स डू तू आके देख ले बिकॉज उसका टेम्पो भी मैच कर रहा है काइंड ऑफ, लेट्स डू दैट। कैसे कहूं मुझको क्या हो रहा है तेरे आसमान से,
दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से जाना तुझको कैसे कह दूँ क्या हो गया मुझे प्यार हो गया सोनिया प्यार हो गया। So I've recorded something really cringe, लेकिन फिलहाल इसको सुन के देखते हैं कि ये किस तरह साउंड कर रहा है। रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दिया बिकॉज अब मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना है। लेट्स प्ले दिस। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, और दूसरी चीज़ अभी यार मेरी रिकॉर्डिंग को जज मत करना, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया अभी फ़िलहाल। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को वोकल की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, और मेरे को वोकल की आवाज़ चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से इसको ऊपर कर दूँगा। अगर आप ऊपर कर दोगे ना तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपका मिक्स पूरा बिगड़ जाएगा। द बेस्ट वे टू डू इट इज़ दिस कि बाकी सारी चीज़ें सेलेक्ट करो, और किस तरह सेलेक्ट करनी है, एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, बाकी चीज़ सेलेक्ट करनी है, और देन उसको नीचे कर देना है। एक बार सुनते देखते हैं। दूर रहता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से जाना तुझको कैसे कह दूँ क्या हो गया। स्ट्रिंग सेक्शन अकेले को कम करता हूँ। दूर रहता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से। मिक्सिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स आपको चाहिए होंगे, सिर्फ उसी के बारे में फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा, और बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हो पाएगी, आई एम सॉरी। उसके लिए आप मेरा चैनल और थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, मैंने हर एक प्लगइन पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इनफैक्ट स्पेशली वो वाली वीडियोस जिसमें मैंने कुछ ब्रेकडाउन किया हो, आपको FL Studio का इनसाइड आउट सब कुछ नॉलेज मिल सकती है। फिलहाल मैं जिस तरह से लेवल करता हूँ वो देखते हैं। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से। फिलहाल मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन लेट्स कीप इट एज इट इज। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेस। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से, इससे मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा। देन हम ऐड करते हैं किक। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से, ऐड करते हैं स्नेयर। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से, दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज। लेट्स ऐड सम हैट। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से जाना तुझको। लेट्स ऐड सम महफिल कीज। दूर जाता हूँ तो फिर मैं। Let's add some strings. दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से जाना तुझको कैसे कह दूँ क्या हो गया मुझे प्यार हो गया सोनिए प्यार हो गया। फिलहाल अभी मेरी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ ट्यून लग रही है, या फिर ये कह सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बेसुरा साउंड कर रहा हूँ। उसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ आवर ऑटो ट्यून। बहुत सारे लोगों ने ऑटो ट्यून का वर्ड सुना होगा, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जस्ट एक पिचर। पिचर इज़ अनदर नेम फॉर ऑटो ट्यून, जो कि स्टॉक प्लगइन है FL Studio का। मैं जी माइनर पे इसको सेट कर रहा हूँ बिकॉज जी माइनर पे ही ये पूरा सॉन्ग बना हुआ है। अगेन स्केल के बारे में अगर आपको थोड़ी और नॉलेज चाहिए, म्यूजिक थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। फिलहाल मैंने इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया है पिचर का, ऑटो ट्यून का, जिससे कि मेरे को उतना सुनाई ना दे। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू ऐड अन EQ हियर। EQ आपने काफ़ी सारे अपनी म्यूजिक ऐप्स में देखा होगा, तो फिलहाल आई वांट जस्ट इंक्रीज द हाइज, और हाइज आपको पता होगा बेसिकली वो तीखी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूर जाता हूं तो फिर मैं रोज जाने से। और यहाँ पर मैं लोज़ को कम कर दूंगा इस तरह से। EQ के लिए अगेन कोई डेप्थ वीडियो आप देख सकते हो ऑन माय चैनल ओनली, बट फिलहाल थोड़ा ऊपर से बात करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से जाना तुझको कैसे कह दूँ क्या हो गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर वो गूंजने वाली आवाज़, तो गूंजने वाली आवाज़ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा रिवर्ब। रिवर्ब 2, ऑफकोर्स आपने रिवर्ब का नाम भी सुना होगा, तो DK मतलब कितना लंबे समय तक ये रिवर्ब रहने वाला है, इसको मैं रखता हूँ करीबन 1 सेकेंड तक, और लो कट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा बिकॉज हमको रिवर्ब में जनरली बेस वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती। तो जब भी मैं इसके साथ छेड़ रहा हूँ ना, इट एक्चुअली मीन कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया अपनी लो फ्रिक्वेंसीज। दूर जाता हूँ तो फिर मैं रोज जाने से, आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डुएट रिकॉर्ड करना है
और काफ़ी सारे और माइक्स चाहिए, तो अगेन आप इसको ऑन रखोगे, अपने माइक पे और लोगों को बुलाओगे और गाने रिकॉर्ड करवाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम FL Studio के कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे और FL Studio को और इन डेप्थ तरीके से जान रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।